नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं पूजा। खबर नई गढ़ी के पकरा ग्राम से है, जहां सरहंगों के द्वारा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा तो किया ही गया, साथ ही जमीन पर लगे हरे भरे पेड़ों को भी नष्ट कर दिया गया। सरहंगों ने सरकारी नल से पानी भरने में भी रोक लगाई है। पीड़ित उमेश सोनी ने यह भी बताया कि जमीन पर कब्जे की शिकायत पर मौका मुआयना करने पहुंचे पटवारी के सामने ही लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसकी जानकारी डायल 100 और नई गढ़ी थाने में भी दी गई, पर ना तो डायल 100 वाहन पहुंचा और ना ही नई गढ़ी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। परेशान होकर जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में घटना की शिकायत दर्ज करानी चाही, तो नई गढ़ी पुलिस ने पीड़िता को थाने में बुलाकर उसकी शिकायत ही बंद करवा दी, जिसे साफ समझ में आता है कि नई गढ़ी थाना के कर्मचारियों और आरोपियों की साठगांठ है। इतना ही नहीं, पीड़िता के खिलाफ ही उल्टा मामला दर्ज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी हैंडपंप पे दबंगों ने ताला जड़ दिया और अब पीड़ित परिवार के सामने पानी की भी समस्या है। ऐसे में पीड़िता सावित्री देवी ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही सतीश सोनी, राम अभिलाष सोनी, बालेंद्र सोनी, लवकुश सोनी और उनके साथियों से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए आवेदन दिया है। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि जिस तरह से सरहंगों के हौसले बुलंद हैं, ऐसे में कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। अब देखना ये होगा कि आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। अरे यहाँ 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 छाती में, यहाँ पेट में, यहाँ बाल खाली है, ये गर्दन दर्द नहीं होती है, कमर में दर्द है। मारपीट किए हैं आपके साथ? हाँ। कौन है? राम विलास ने, सुनील, अनिल। किस कारण से विवाद हुआ था? जमीन पेड़ पौधा काटने, पौधा पेड़ काटने के लिए पटवारी आए थे जांच करने के लिए, काट रहे थे तब हमने बोल दिया वो जांच नहीं करने पाए, गाली गलौज देने लग गए। हमने कह दिया कि गाली गलौज न दो, अधिकारी आ रहे हैं, देख रहे हैं, जमीन किसी नहीं ले जा रहे हैं। बताइए भैया, क्या समस्या? मैं उमेश सोनी नई गढ़ी से आया हूँ, मेरे ग्राम पकड़ा है। मेरे घर में जमीनी विवाद का विवाद चल रहा था, उसमें जो है हमारा नक्शा तहसीलदार साहब के यहाँ नक्शा तरमीन का विवाद चला, पकड़ चल रहा है। इसके बाद भी उन्होंने आके हमारे चाचा के लड़के हैं वो राम से जी, वो राम विलास सोनी, सतीश सोनी, बालेंद्र सोनी, लव सोनी, कुश सोनी, सुनील सोनी, अनिल सोनी, सुशील सोनी और रमेश सोनी, ये सब मिलकर ग्रुप बना करके आए। तो हम 10 तारीख को पढ़वा, हमने 3 तारीख को तहसीलदार साहब के यहाँ आवेदन दिया, हमारा हरा भरा पेड़ का काट लिए हैं, हम का और बाग बगीचा काट लिए हैं, बाड़ी काट ली है। उस समय मारपीट और गाली गलौज भी किए हैं? जी हाँ, उन्होंने मारपीट से गाली गलौज की है, तो मेरे को मारा, मेरी पत्नी को इतना मारा है कि उसकी मतलब कमर में, मतलब उसकी डेढ़ में दर्द हो रहा है, जांघों पैर मारा है, लाठी डंडा लेकर के कोसी मारा है, और गंदी गंदी माँ बहन की बेटी जो बहन चौथ माँ दर चौथ सब गाली गलौज देते रहे इनको। फिर जब तेरे घर में आग लगा दूंगा, घर में जीना गुबर का दुख दुखा मैं सब जगह बता मेरी। अभी आप एसपी साहब से क्या चाहते हैं? मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए, और हमारे साथ जो उल्टा मुकदमा हमारे ऊपर काम करवा दिया तो पैसे के बदले, और वो लोग हमारे ऊपर, हम लोग जो नहीं थे उनका भी नाम उन्होंने लिखा, तो हमारी पत्नी सबका, हमारा सबका नाम पूरे नाम लिखा दिया है, और उनका मेडिकल हुआ, मेरी पत्नी हमारे साथ मेडिकल हुआ, एफ आई आर दिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।